तो फाइनली भाई लोग नोकिया ने यार अपना एक और नया स्मार्टफोन हमारे इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि बेसिकली एक बजट सेगमेंट वाला स्मार्टफोन होने वाला है। अब देखो ये भी स्मार्टफोन कतई जहर वाला स्मार्टफोन होने वाला है। हालांकि नोकिया XR20 जितना तबाही मचा देने वाला स्मार्टफोन नहीं होगा, पर ये स्मार्टफोन उससे कम भी तबाही नहीं मचाने वाला है। और वो कैसे, इसी के बारे में यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड बेसिकली वो स्मार्टफोन होने वाला है भाई नोकिया का Nokia C30। और आज की वीडियो में हम इसी फोन की गेमिंग रिव्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे क्या ये फोन गेमिंग में कैसा होने वाला है, क्या इस फोन को आपको गेमिंग के लिए कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं, जायरोस्कोप देखने को मिलता है या नहीं, और अगर देखने को मिलता भी है तो उसकी परफॉर्मेंस किस टाइप की देखने को मिलती है, हीटिंग वाला कोई इशू देखने को मिलता है नहीं, ओवरऑल क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते, किस प्राइस सेगमेंट के साथ में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ ऑब्वियसली बात है भाई, इस फोन में आपको गेमिंग की परफॉर्मेंस किस टाइप की देखने को मिलने वाली, तो इन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो भाई ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली, तो भाई इस वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, एंड हो सके तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी चलो यार टाइम वेस्ट नहीं करते और हमारी आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखा भाई लोग नोकिया C30 के स्पेसिफिकेशन एंड इसके प्राइस सेगमेंट के बारे में तुम लास्टली डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते कि भाई आखिर ये फोन गेमिंग में कैसा परफॉर्म करने वाला है एंड यहाँ पे आपको एग्जैक्टली किस टाइप की गेमिंग की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। तो भाई लोग बात करते हैं नोकिया C30 के गेमिंग रिव्यू के बारे में। तो इसी कारण से हम इसमें टेस्ट करने वाले PUBG मोबाइल को, बेसिकली BGMI को, एंड दोनों में ही यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट में ग्राफिक जो देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी स्मूथ में मीडियम। जी आ गए, इस ऐप आपको बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा भाई स्मूथ में मीडियम। और वही बात करते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में भी मीडियम ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम आप इस फोन में ओनली 25 FPS में गेम प्ले कर पाओगे। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई 25 FPS में गेम प्ले करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही बन जाता है, लेकिन जो भाई 25 FPS में भी गेम प्ले करके अच्छे खासा रैंक पुश करते हैं, तो भाई उन लोगों को दिल से सलाम है कि भाई वो इतने लैग में भी अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर रहे हैं। पर बेसिकली यार अभी के टाइम के लिए, यानी कि 2021 खत्म होते जा रहा है और अभी के टाइम के लिए आपको यूजुअली बजट सेगमेंट में 40 FPS में देखने को मिल ही जाता है, लेकिन अभी के टाइम के लिए भी नोकिया आपको 25 FPS प्रोवाइड करके दे रहा है नोकिया C30 में। और भाई 25 FPS की गेम प्ले के बाद क्या ही करना, इस ग्राफिक्स में भाई गेम लैग हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप कर रहा है, फिर कोई अदर इश्यू देखने को मिलता है इसके बारे में कुछ पता चलता ही नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वो भाई 25 FPS को काफी इजी तरीके से हैंडल कर पाता है। आपको 25 FPS में कोई मेजर इश्यू तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको लैग वाला इशू भी देखने को मिलेगा, थोड़ा ग्राफिक्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज भी देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे आपको रेंडरिंग को लेकर भी इशू डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी मेजर इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप इस फोन में 25 FPS में भी गेमिंग करोगे तो आप यूजुअली गेम प्ले कर पाओगे, कोई मेजर इशू आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करूं तो भाई TDM में तो ये फोन प्रॉपर 25 FPS मेंटेन कर पाता है, कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलता है। इरांगल की बात करते तो इरांगल में भी काफी अच्छी तरीके से 25 FPS को मेंटेन कर पाता है, बस कुछ कुछ रेयर कंडीशन में आपको क्लोज कॉम्बैट में इसकी जो FPS 23-22 तक आते हुए दिखाई देंगे और थोड़ा बहुत लैग वाला भी इशू देखने को मिलेगा, पर आपको कोई भी मेजर इशू बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा 25 FPS में। और मैं सैनोक की बूट कैम की बात करते तो आपको सैनोक के बूट कैम में ही लैंड करते समय ही लैग देखने को मिल जाएगा, और अगर मैं क्लियरली बताऊं तो भाई आप क्लोज कॉम्बैट में इस फोन के साथ गेमिंग नहीं कर पाओगे 25 FPS में, पर आप TDM और इरांगल में काफी इजी तरीके से 25 FPS में गेम प्ले कर पाओगे नोकिया C30 इस स्मार्टफोन के साथ में। तो देखकर PUBG या फिर BGMI जैसे हाईएस्ट ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम के लिए ये फोन बिल्कुल भी बना नहीं है, आप इस फोन में टेंपल रन या फिर सबवे सफर्स या फिर कैंडी क्रश ऐसे गेम बहुत ही इजी तरीके से रन कर पाओगे, पर डेफिनेटली आप PUBG या फिर BGMI जैसे गेम को बिल्कुल भी रन नहीं कर पाओगे, बेसिकली रन तो कर पाओगे पर खेल नहीं पाओगे अच्छी तरीके से इस फोन में। पर फिर भी अगर आपको ये फोन पसंद आ जाता है तो भाई इस फोन में आप इस तरीके की गेमिंग डेफिनेटली कर पाओगे। बाकी बात करते भाई इस फोन के जायरोस्कोप एंड हीटिंग के बारे में, तो गाइस यहाँ पे आपको जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलता है। अब भाई यहाँ पे आपको जायरोस्कोप तो देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ का जो एक्सेलेरोमीटर है वो में भी जायरोस्कोप की तरह वर्क करता है, यानी कि वर्चुअल जायरोस्कोप की तरह वर्क करता है, आपको यहाँ पे काफी डिले देखने को मिल जाएगा इसके जायरोस्कोप में। एंड हीटिंग की बात करते तो भाई 25 FPS में गेम प्ले करने के बाद भी कोई फोन ज्यादा हीट बिल्कुल भी नहीं होता है, ये भी फोन ज्यादा हीट बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप इस फोन में 30 या फिर 35 मिनट की गेमिंग कर लोगे तो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा भाई 41 या फिर 42 डिग्री सेल्सियस 37 एम्बिएंट टेम्परेचर पे, तो हाँ हीट मैनेजमेंट तो काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। बाकी बात करते कि भाई आखिर परफॉर्मेंस किस स्पेसिफिकेशन एंड किस प्राइस सेगमेंट के साथ में देखने को मिलने वाले, तो गाइस बात करते हैं नोकिया C30 के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को, मैं इसे एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉर्मल 60 के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक HD+ IPS डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट के साथ में। जिया गया इससे आपको FHD+ डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है और हायर रिफ्रेशिंग रेट का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको
फैमिली देखने को मिल जाएगा 60Hz का रिफ्रेशिंग रेट विद HD प्लस IPS डिस्प्ले, LPDDR4X इन EMMC 5.1 ROM का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। पर वही बात करते भाई इस फोन के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर। तो गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई यूनी एसओसी का SC9863H चिपसेट जो कि भाई 28 नैनोमीटर पे बेस्ड है एंड डुअल 4GB चिपसेट है। एंड भाई अभी के टाइम के लिए लिटरली आपको 7nm 8nm या फिर 5nm वाले चिपसेट देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी के टाइम के लिए भी आपको नोकिया 28nm वाला चिपसेट प्रोवाइड करके देता है जो कि भाई काफी ज्यादा हीटिंग वाला भी इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड लिटरली ये जो चिपसेट है वो मीडियाटेक के हेलो P22 से भी कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि भाई ये चिपसेट कितना पावरफुल है। लेकिन रुको यार, अभी तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आना बाकी है जो कि भाई इसकी प्राइस सेगमेंट। अब आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई ये फोन आपको लिटरली 7-8 या फिर 9000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है, पर गाइस इसका जो बेस वेरिएंट होने वाला है यानी कि 3GB 32GB वाला वेरिएंट वो आपको लिटरली देखने को मिलने वाला है भाई 11000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। इसका जो पीक वेरिएंट होने वाला है यानी कि 4GB एंड 64GB आपको वो लिटरली देखने को मिलने वाला है भाई 12000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। और 12000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेशिंग रेट विद HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ में और यूनी एसओसी S698638 वीक चिपसेट देखने को मिलता है। तो भाई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोन मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। और भाई 12000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आपको Realme 8i ऑफर में मिल रहा है जहां पे आपको 120Hz के रिफ्रेशिंग रेट वाला एक FHD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, MediaTek Helio G95 देखने को मिलता है, काफी तगड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन वही नोकिया के सस्ते नशे खत्म हो ही नहीं रहे। पहले उसने लॉन्च किया भाई नोकिया XR20 47000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में और अभी इसने रिसेंटली लॉन्च कर दिया भाई नोकिया C30 12000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में, जिसमें आपको जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं वो भाई दूर दूर तक बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते 12000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में। तो भाई गेमिंग के लिए क्या मैं आपको नॉर्मल यूजर्स के लिए भी इस फोन को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं। तो इसी की जगह पे आप Narzo 50A, Infinix Hot 11, Redmi Note 10 Prime या फिर आप Realme 8i को ही बाय कर सकते हैं भाई ऑफर में। वो फोन आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी डिसपॉइंट नहीं करने वाले, जैसे कि आपको नोकिया C30 डिसपॉइंट करने वाला है। लेकिन जो नोकिया के डाई हार्ड फैन है वो ये नोकिया का फोन खुशी खुशी बाय भी कर लेंगे, पर भाई नोकिया जो अपने फैंस के लिए कर रहा है वो मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिफाई नहीं लगता है। बाकी यार आप सभी की क्या थिंकिंग है इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे कमेंट के थ्रू डेफिनेटली बताइएगा। और अगर आपको Realme 8i की गेमिंग रिव्यू के बारे में जानना है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अंडर 10,000 रुपीज के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानना है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी गाइस फिलहाल क्लियर इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।